वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है 18 एंड फाइनली मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और सच बताओ तो इस दिन का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। इस वक्त मैं हूँ तिनसुकिया रेलवे स्टेशन में। अभी कुछ मिनटों बाद अभी जो समय हो रहा है आपका 10:30 हो रहा है, तो हाफ एन आवर के बाद जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ वो ट्रेन यहाँ पर आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। एंड जिस ट्रेन से मैं सफ़र करने वाला हूँ उस ट्रेन का नाम है डिब्रूगढ़ लालगढ़ एक्सप्रेस। सो सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ और करीब से मुझे लगेंगे 3 दिन। और कैसा रहेगा जर्नी वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, सो बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ देखो गाइस क्या ही खूबसूरत, आपको यहाँ पर एक पार्क देखने को मिलता है और ये आपका रेलवे स्टेशन के सामने ये पार्क पड़ता है। और सबसे ज़्यादा गाइस वो ट्रेन देख सकते हो, ये ओल्ड ज़माने पुराने ज़माने का ये ट्रेन है और काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें आपको एंट्री फीस जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पर तो उस वक्त 10 रुपीज़ लगा था इस पार्क में जाने के लिए। एंड अभी इसका क्या प्राइस है एंट्री का वो मुझे पता नहीं क्योंकि कुछ दिनों से ये पार्क बंद है और इसका कारण ये है कि कोविड की वजह से। सो अगर ये जब खुलता है तो एक बार आप विज़िट कर सकते हो अपने, अगर जैसे कि आप अगर जल्दी आते हो तो आपको टाइम स्पेंड करना होगा तो आप इस पार्क में आके अपना समय आप बिता सकते हो, काफ़ी अच्छा है। आपका मेन एंट्री गेट और एग्जिट गेट यही है आपका तिनसुकिया रेलवे स्टेशन का। जैसे देख सकते हो काफ़ी लोग अभी एंटर कर रहे हैं एंड ऊपर आप देख सकते हो वहाँ पर एग्जिट भी लिखा हुआ है। सो दोनों यहीं से होता है। करीब 10 मिनट में वेटिंग रूम पे रुका, उसके बाद फाइनली हम लोग का जो समय हो गया है एंड आपको दिखा रहा हूँ। सो आप देख सकते हो हम लोगों का जो जिस ट्रेन से मेरा जर्नी होने वाला है वो ट्रेन फाइनली यहाँ पर आ चुका है। ट्रेन काफ़ी समय से आया और आपको जैसे कि देखा ही हमारी ट्रेन, और मेरा जो बोगी था वो सबसे लास्ट में था। एंड गाइस हुआ क्या, इस बोगी में नंबर नहीं लिखा गया था कि D1 कौन सा है एंड D3 कौन सा है और D2, ऐसा कुछ लिखा नहीं था। सो मैं कंफ्यूज होकर दूसरे डब्बे में चढ़ गया था और मेरे अंकल एक मेरे मार्केट में जो रहते हैं वो भी अंकल आए थे, उनका भी सेम सिचुएशन हुआ। वो उनका जो बोगी था वो हमारे बोगी से आगे में था, सेकेंड AC, बट वो जाके इंजिन के पास जाके बैठा था। सो उनका मैंने हेल्प किया यहाँ तक लाने के लिए एंड मैं भी गलत में चढ़ा था जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद मैं वापस आके अपनी सीट में बैठ गया। सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है गाइस कि मुझे विंडो सीट मिला, अगर मिडिल वाला मिलता तो ख़त्म। वैसे ही मुझे एक तो सेकंड 2S में जाना पड़ रहा है जो कि बैठ के जाना पड़ रहा है, और साथ ही अगर मुझे मिडिल वाला या कोई साइड वाला मिलता तो ख़त्म था, बट विंडो सीट मिला सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नवंबर का महीना चल रहा है बट फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही है। सो सबसे पहले मैं अपना जींस खोल लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और टी शर्ट यही रहने दूंगा क्योंकि बाई चांस रास्ते में ठंडा लग सकता है तो ये फुल रहेगा तो सेफ रहेगा, क्योंकि ट्रेन चलेगा तो इस पार्ट में तो आपका हवा आते रहेगा। तो मैं अपना पैंट चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। पैंट मैंने चेंज कर लिया और इस वक्त मैं अभी AC बोगी में बैठा हूँ। काफ़ी गर्मी हो रही है क्योंकि वेदर देखा जाए तो बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा देर यहाँ रिलैक्स करके मैं अपने सीट में जाकर बैठूँगा। फिलहाल ये जींस सच में गाइस बहुत गर्म है और आते ही वक्त थोड़ा सा अच्छा लगा था इसको पहन के, क्योंकि जब मैं अरुणाचल से आ रहा था उस वक्त थोड़ा सा मुझे ठंडा महसूस हुआ था, सो उस वक्त के लिए कम्फर्ट था, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आगे चल के देखते हैं कि ये मौसम कैसा रहता है, ऐसे ठंडा रहता है या गर्मी रहता है, तो आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल आपको पता होगा मेरे पहले वीडियो में एक डाला था कि मैं मूवीज़ कुछ लेकर आया हूँ और आपको रास्ते में क्या क्या होता है वो तो मैं दिखाऊंगा ही, पर अगर कहीं कुछ दिखाने को नहीं मिलता उस वक्त मैं अपना जो मूवी भरा के लेकर आया हूँ, सर 30 मूवीज़ है मेरे पास, तो उसको देखूँगा और टाइम पास करेगा क्योंकि अकेला हूँ और पता है जर्नी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो देखते हैं कि हमारा जर्नी कैसा होगा। अभी ट्रेन रुका है मरियानी जंक्शन में और नाम का मैंने लस्सी लिया एक, क्योंकि थोड़ा सा मुंह का टेस्ट अलग लग रहा था और अकेला जर्नी कर रहा था थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। जो मैंने मूवी डलवाया था वो मूवी अब देख देख के जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आपको रास्ते में क्या क्या कवर करके देखना। सो करीब 6 आवर्स
जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंच गए दीमापुर। एंड जैसे हम दीमापुर आए थे गाइस, यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड देखा, मैं तो बस शौक हो गया था। मतलब पूरे लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए, ट्रेन रुका भी नहीं था और लिटरली उन लोग सब चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि हम जिस डब्बे में है वो एक्चुअली, ओ गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन एक्चुअली हो रहा है। अभी देखिए, ये एक्चुअली गाइस सारे कंफर्म टिकट वाले हैं। और देख सकते हो, मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा कि क्या एक्चुअली सीन चल रहा है यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा क्राउड, मैं स्टेशन के बाहर ही आपको दिखाता हूँ क्या है। सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्राउड। अभी तो मैं एक्चुअली एग्जिट पॉइंट पर हूँ, और अगर एंट्री पॉइंट में होता तो कितने ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। और उस तरफ आपका ये तो एंडिंग है आपका, ये देखिए ये एंडिंग स्टेशन है, और आपका उस तरफ आपका एंट्री है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग क्राउड यहाँ से दिख रहे हैं, शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, पर उस तरफ काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और एक चीज़ बता दूँ, अभी मेरे सीट में एक दूसरे आदमी बैठ चुके हैं, एंड उनको नहीं पता कि ये मेरा सीट है। अभी कर क्या सकते हैं, मुझे एक्चुअली दूर सफ़र करना है, सो मैं किसी को बैठने नहीं दे सकता। अगर मेरा शॉर्ट जर्नी होता तो मैं किसी को बैठने के लिए दे सकता था। हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी, और बहुत समय से इसका इंतज़ार था। और अभी जो समय हो रहा है आपका 9:30, एंड मैंने कुछ खाने के लिए यहाँ पर लिया, और क्योंकि यहाँ पर आपको गरम गरम खाने बहुत जगह मिल जाते हैं। तो और एक चीज़ गाइस, मैं यहाँ से करीब 200 मीटर चला, हम लोगों का जो एक्चुअली बोगी है वो एकदम देखो एंडी में गाइस, यहाँ से मतलब आपका ख़त्म हो जाता है। और मैं गया था लाने के लिए पूरे पीछे, बहुत अंदर था। सो वहाँ पर गया, मैंने खाना लेकर आया, और दो तीन आदमी को मैंने मदद किया। एक्चुअली बुरे लोग थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि उनका बोगी कौन सा है, सीट नंबर कुछ पता नहीं चला, सो उनका हेल्प किया। एंड सुबह से मैंने अभी तक 3-4 लोगों का मदद किया, और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब बारी है, कुछ खा लेता हूँ क्योंकि भूख लगी है। और दोपहर में मैंने कुछ खाया नहीं ज़्यादा, बस लाइटली फास्ट फूड लिया था, समोसा वगैरह खाया था। अब थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगा, और देखते हैं कि सुबह कहाँ पहुँचता हूँ। का मेरा डिनर ये रहेगा, वेज बिरयानी, और उसके साथ मुझे ये एक सब्ज़ी मिली हुई है, और एक आपका पिकल। तो यही खाकर मुझे सुबह तक जाना पड़ेगा। अभी डिनर मैंने कर लिया है, और डिनर करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अभी जो समय हो रहा है आपका 10:30 हो रहा है, तो अब बारी है सोने का, खाना तो हो गया, अब सोने का बारी है। एंड सुबह देखते हैं कि मैं उठता हूँ तो कौन सा स्टेशन मुझे मिलता है। सो अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए। मॉर्निंग गाइज, और सुबह जैसे मैं उठा तो हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी क्रॉस कर रहे थे, और मेरा आँख उसके बाद ही खुला। जैसे सुबह हुआ तो यहाँ पर बारिश देखने को मिला, और अभी थोड़ा सा ठंडा लग रहा है फिलहाल। मैं सबसे पहले ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगा। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में अपना पेंट चेंज किया था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और अब लगता है कि मुझे फिर से वो पेंट पहनना पड़ेगा जींस, क्योंकि ठंडी ज़्यादा ही हो रही है। तो ब्रश करने के बाद मैं पेंट चेंज करूँगा, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट करूँगा, और देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। आपने देखा, मैंने ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट खाया, और ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, अंडे या चाय और कच्चा चना लेकर ही खाया बस उतना। उसके बाद उस वक्त के लिए तो सही था, पर जैसे 12 बजा उसके बाद भूख मतलब बहुत ज़ोर से लग गया था। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि कहीं स्टेशन में मिल जाएगा कुछ खाने के लिए, पर कहीं भी स्टेशन में रुक रहा था हम लोगों का जो ट्रेन, और जो ट्रेन था वो काफ़ी पीछे रुक रहा था हम लोगों का, जो बोगी है बहुत पीछे था, तो जिसके वजह से मतलब बाहर जाके कुछ खरीद नहीं पा रहा। और दूसरा कारण ये था कि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट फाइनली अभी एक जगह में रुका, और मुझे यहाँ पर पूरी मिला, और अभी थोड़ा सा मतलब जो भी मिला इतना लेके मैं खा लेता हूँ, थोड़ा सा राहत मिलेगा। और देखते हैं कि आगे अगर कुछ मिलता है खाने के लिए तो वहाँ पर खर्च खाऊँगा। Yeah.
गुड मॉर्निंग गाइस, एंड ये मेरा थर्ड एंड लास्ट डे है ट्रेन का जर्नी, और फाइनली मैं 4 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। और कल रात का कुछ अलग ही सीन हुआ था, आप मेरे पहले वाला वीडियो जाके देखो तो पता चल जाएगा। आपको कुछ कल ज़्यादा रिकॉर्ड करके नहीं दिखाया, उसका कारण ये था कि मतलब ट्रेन में इतना ज़्यादा क्रश हो गया था ना कि इवन मतलब एक कदम भी निकलना भी मुश्किल था, मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। तो ऐसा कल सीन हुआ था, और अभी थोड़ा खाली है, फिर भी आप देख सकते हो कितने सारे लोग मतलब एक ही डब्बे में जिसमें मैं हूँ उसी में ये सारे लोग वहाँ से निकले, एंड अभी भी बहुत सारे लोग ट्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ हरदोई रेलवे स्टेशन में। तो अब फ्रेश होके कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और देखा जाता है कि आगे का सीन क्या होता है। वेलकम टू दिल्ली गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली, एंड मेरा जो जर्नी था काफ़ी अच्छा था, और बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बट उसके बाद काफ़ी जर्नी अच्छा था। सोलो जर्नी था और बोरिंग तो ऑब्वियसली लगा, बट अच्छे अच्छे लोग मिल गए थे तो उनके साथ मेरा जो समय था वो बीत गया, एंड इस वक्त मैं हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। का वेदर काफ़ी अच्छा है, गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, काफ़ी अच्छा वेदर है, और देखते हैं कि सुबह कैसा इसका वेदर होता है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से और दूसरी जगह जाना है, करीब मुझे यहाँ से और आधे घंटे लगेंगे। सच कहूँ तो गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, सो आज के लिए बस इतना ही, एंड देखते हैं कि कल मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। फिलहाल ये मेरा पहला दिन नहीं कहूँगा दिल्ली में, ये मेरा विजिट है, जस्ट मैंने विजिट किया है, और देखते हैं कि मेरा पहला दिन दिल्ली का कैसा रहेगा। तो अभी बस मैं इतना ही रखता हूँ और अभी रूम जाऊँगा क्योंकि थक चुका हूँ, एंड प्लस 3 दिन से नहाया नहीं तो वो एक तो अलग ही बात है गाइस। तो नहाया नहीं, और उसका कारण ये है कि सफ़र है जाने, तो नहाने का ट्रेन में कोई सुविधा नहीं होता जैसे कि आपको पता ही होगा। तो अब क्या करें, बस इतना ही, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ये जो ट्रेन वगैरह कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से ऊपर से। Yes, it's important.